तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन फॉर बी इंजीनियर्स। तो जैसे कि हम बॉडी के बारे में पढ़ रहे थे, ऑटोमोबाइल की बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्यों बॉडी हम यूज़ करते हैं, इसे पहले लेक्चर में हमने देखा। इस लेक्चर में हम ऑल अबाउट व्हीकल्स बॉडी के बारे में देखेंगे, मतलब जो कुछ भी है व्हीकल की बॉडी से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स को हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रिक्वायरमेंट। तो अगर आप कोई व्हीकल की बॉडी आप जनरेट कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, कुछ रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, पहले वो रिक्वायरमेंट्स को नोट करोगे आप। फिर उसके अकॉर्डिंग आप फिर डिज़ाइन करोगे, फिर उसको सिमुलेट करोगे, देखोगे कि वो जो भी आपने डिज़ाइन किया है वो पर्टिकुलर चीज़ों पे वर्क कर रहा है, आपने जो सिमुलेशन किया वो पॉइंट सही आया या नहीं आया। उसके बाद आप उसके डिज़ाइन उसकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे, है ना। मतलब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम नोट करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट्स को नोट करने होंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको। मतलब रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ आपकी व्हीकल की बॉडी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी पे इतने लोग बैठे हुए हैं तो वो सह सके, लगेज वगैरह सह सके, ठीक है, रिटार्डिंग या एक्सिलरेटिंग फोर्स जो है उसको सह सके। और गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो अचानक फिर ब्रेक लगा रहे हो, इन ये सब इम्पैक्ट लोड वगैरह ये सब सह सके, तो ये स्ट्रेंथ आपको दिखना होगा। सबसे पहले तो ये नोट करोगे, ठीक है। फिर स्टिफनेस देखोगे, तो आप जानते हो जनरली व्हीकल हमारे क्या है, दो पॉइंट से ही जमीन से अटैच रहती है। और ये क्या बन गया, ये व्हीकल नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट और ये पॉइंट पे जाहिर सी बात है एज अ बीम की तरह, ये जो पार्ट है ये एज अ बीम की तरह काम कर रहा है। तो जो सेंटर पार्ट पे जो भी गाड़ी गाड़ी जब एक्सीलरेट करती है या रिटार्ड होगी इन दैट टाइम सेंटर से ज़्यादा फोर्सेस लगेंगी, तो एज अ बीम की तरह ये काम कर रही है, तो लोड यहाँ एक्ट होगा ना सेंटर पे, तो आपकी स्टिफनेस ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी खासी होनी चाहिए। टॉर्जनल स्टिफनेस क्या होता है, गाड़ी जब इम्पैक्ट खाती है रोड के, जो रोड में गड्ढे वगैरह हैं तो एक तरफ ऐसे दब गया ऐसे दब गया, तो गाड़ी ट्विस्ट भी तो होती है, तो ट्विस्टिंग जो टॉर्जनल रिजिडिटी टॉर्जनल स्टिफनेस है इसकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी बॉडी की। एयर ड्रैग, एयर ड्रैग क्या, जो आप गाड़ी चला रहे हो तो जो आपने एरोडायनामिक सेप बनाया जिसके कारण एयर ड्रैग कितनी हो रही है, मतलब कम से कम एयर ड्रैग होना चाहिए, सेप ऐसा हो कि आपका एयर ड्रैग कम से कम हो, तभी गाड़ी की स्पीड अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, ठीक है। स्पेस गाड़ी में कितनी स्पेस आपको रखनी है, रिक्वायरमेंट चाहिए ना, कितने लोग के लिए गाड़ी बना रहे हो, 4 लोग के लिए बना रहे हो, 6 लोग के लिए बना रहे हो, तो कंफर्टेबल भी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ स्पेस में आपको तो देखना पड़ेगा कितने लोग बैठ रहे हैं, फिर कंफर्टेबल देखना पड़ेगा, लगेज के लिए स्पेस देखना पड़ेगा कितना, ये सब आप नोट करोगे ना। फिर है प्रोटेक्टिंग वेदर, वेदर से कैसे अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए आप ग्लासेस विंड कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो, आप किस मटेरियल का अपना बॉडी ये बना रहे हो, ये सब आपका डिपेंड करता है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वेदर में। इसके अंदर जो भी आप बैठे हैं पैसेंजर्स या आपका जो लगेज है वो गीला ना हो, तो आपको ऐसे इसकी ऐसी डिज़ाइन करनी पड़ेगी कि थोड़ा भी बहुत भी पानी वाटर जो है वो अंदर आपकी गाड़ी के अंदर ना जाए, ठीक है। रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन नहीं लगना चाहिए, बारिश हुआ पता चला आप गाड़ी बाहर की खड़े की हो, बारिश हुआ आपका पूरी गाड़ी जंग लग गई, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपकी कौन सी मटेरियल यूज़ करोगे, किस मटेरियल से आप बनाओगे, अब मटेरियल यूज़ करोगे इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी स्टेनलेस स्टील यूज़ कर लें, ठीक है, आयरन ही यूज़ कर ले, पेंट मार दे तो कोरोजन से बच जाएगा। तो आप जब मटेरियल यूज़ करते हो तो आप ध्यान देते हो उस पर कि भाई आपका कहीं इस पर ज़्यादा वेट ना हो, बॉडी ज़्यादा वेटेड ना हो जाए, क्लियर है, ज़्यादा इसकी स्टिफनेस किसी कारण कमज़ोर ना हो जाए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पता चला कास्ट आयरन कहीं बना दी है, ऐसा नहीं करना है, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना होगा। हाँ मानते हैं जो कोटिंग आप करते हो वो डिपेंड होता है कोरोजन से बचाता है, बट आपके मटेरियल पे भी डिपेंडेंसी होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट्स अगर हो गाड़ी का तो उसे प्रोटेक्ट करे, इतने स्पेस हो आपके आसपास की वो थोड़ी बहुत, या फिर आप गाड़ी के एरोडायनामिक स्ट्रेंथ क्यों बना रहे हो, बम्पर किस तरीके का यूज़ करोगे ताकि एक्सीडेंट हो तो कम से कम जो पैसेंजर हो उनको चोट वगैरह लगे, क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको रिक्वायरमेंट नोट करने होंगे, क्लियर है। रिक्वायरमेंट नोट करने के बाद फिर आप क्या करोगे, नोट कर लिया आपने रिक्वायरमेंट क्या क्या आपको ज़रूरत है, ये सारे पॉइंट्स को आपने नोट किया, आपने डिटेल निकाला सब, उसके बाद आप फिर क्या करोगे, डिज़ाइन करोगे, फिर आप डिज़ाइन करोगे।
डिजाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, सॉलिडवर्क हो गया, कैटिया हो गया, इस सब पे ही जनरली हम इसको डिजाइन कर, डिजाइन के बाद हम सिमुलेट करके देखते हैं, सिमुलेशन जिसको, वो सिमुलेशन हम एनालिसिस पे हो गया, सॉलिडवर्क खुद के सॉफ्टवेयर पे हो गया, तो हम वहाँ पे सिमुलेशन करके देख रहे थे। मतलब कंप्यूटर में ही हम जो भी हमारा नेचुरल ड्रैग वगैरह है वो सब हम उस पर डाल कर देख लेते हैं, तो उसी में सिमुलेशन हो जाता है। सिमुलेशन होने के बाद रिजल्ट अगर सक्सेसफुल आपको मिले तब फिर आप जाके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो, क्लियर है? तो ये सब चीज़ें आपको करने के बाद, क्योंकि रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये सारे रिक्वायरमेंट्स आपको ध्यान देने होंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब रिक्वायरमेंट में हम एक टॉपिक एक्स्ट्रा और डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक क्या होगा? क्या टॉपिक एक्स्ट्रा होगा? ड्राइवर विजिबिलिटी। अब हम अगला रिक्वायरमेंट में ये टॉपिक है ड्राइवर विजिबिलिटी। ड्राइवर विजिबिलिटी तो मतलब ड्राइवर विजिबिलिटी इन द सेंस, जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो तो उसको व्यू, जो आसपास का जो व्यू है वो क्लियर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है गाड़ी के अंदर से, गाड़ी पे जहाँ पे जिस सीट पे वो बैठा है, राइट हो चाहे लेफ्ट हो, वहाँ से जो लोकेशन है ड्राइवर को देखने के लिए वो सटीक है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गाड़ी का ऊपर से ड्रॉ करूँ पार्ट, ठीक है, ये ऊपर से पार्ट देखोगे तो ड्राइवर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये ड्राइवर जब इस पॉइंट पे बैठा हुआ है, इसकी फ्रंट की विजिबिलिटी, रोड है उसको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, साइड की विजिबिलिटी, इधर की विजिबिलिटी, बैक की विजिबिलिटी, या आप जो यहाँ पे मिरर यूज करते हो दोनों साइड, तो आपकी जो सीट की डिस्प्लेसमेंट हो, वो सीट आपका मूवेबल होना चाहिए, मतलब एडजस्टेबल सीट होना चाहिए, कि सीट ऐसी जगह पे पॉइंट पे सेट हो जहाँ से सारे वो आराम से मिरर में देख कर पीछे का लोकेशन डायरेक्शन देख सके, यहाँ बैठे बैठे इस मिरर की हेल्प से पीछे का डायरेक्शन देख सके, फ्रंट रोड आपको दिखे, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। विजिबिलिटी तो सबसे, ड्राइवर विजिबिलिटी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कुछ ड्राइवर विजिबिलिटी में, जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो सीट है वो एडजस्टेबल होना चाहिए ताकि ड्राइवर को एडजस्ट करके देख ले, आपका जो मिरर, साइड मिरर यूज कर रहे हो वो भी एडजस्टेबल होना चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग, ड्राइवर के अकॉर्डिंग, ड्राइवर के हाइट के अकॉर्डिंग, अगर कोई कम एज वाला लड़का चला रहा है, हाइट कम है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो एडजस्ट करता है सीट या मिरर को एडजस्ट करता है ताकि उसको पीछे का व्यू अच्छा मिले। ये सब चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। विजिबिलिटी को और इम्प्रूव करना है तो क्या कर सकते हैं? विजिबिलिटी को और इम्प्रूव करना है तो आपका जो ये फ्रंट ग्लास है, विंड स्क्रीन जो आएगा है ड्यूरिंग वेदर कंडीशन पे, ठीक है, ड्यूरिंग वेदर एसेसरीज सच एस विंड स्क्रीन वाइपर, विंड स्क्रीन वाशर, विंड डिफोरेस्ट नोजल वगैरह यूज करें। मतलब आपको विंड स्क्रीन तो वाइपर होता है, वाइपर ये क्लियर है, उसको यूज करें। आपका ग्लास की अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार वाइपर चले तो स्क्रेचेस आ जाए, फिर धुंधला धुंधला आपको दिखने लगे, ठीक है। तो बरसात के जब टाइम पे जो पानी वानी यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है, धुंधला होने लगता है, तो वाइपर आपका पर्टिकुलर अच्छा काम करना चाहिए, नोजल्स होने चाहिए। अगर आपका अचानक धूल उल पड़े, गंदा हो गया आपका स्क्रीन, नोजल ऑटोमेटिक चालू हो और वाइपर स्टार्ट करे तो वो क्लीन हो जाए। ये सब चीज आपको विजिबिलिटी के लिए ध्यान देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे बताया कि मैंने आपको सीट की फिक्सिंग भी आपको देखना पड़ेगा, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे है कि एक ही लोकेशन से उसको चारों पांचों साइड का व्यू, पूरी गाड़ी का व्यू मिल सके। ये सीट, जो सीट का पोजीशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। सो सीट विल बी एडजस्टेबल, ग्लासेस विल बी एडजस्टेबल, यहाँ जो पीछे देखने के लिए यहाँ जो फ्रंट मिरर होता है वो एडजस्टेबल होना चाहिए। ये सब चीज़ आपको ड्राइवर विजिबिलिटी पे ध्यान देनी होगी, ठीक है। अगला है सेफ्टी से रिलेटेड क्या बात करते हैं, तो ऑटोमोबाइल की सेफ्टी से रिलेटेड बात करें और जनरली बॉडी की सेफ्टी से रिलेटेड बात करें तो हम दो टाइप के देखते हैं। एक तो प्रिवेंटिव डिजाइन, प्रिवेंटिव डिजाइन के अकॉर्डिंग हम सेफ्टी देखते हैं। प्रिवेंटिव डिजाइन के अकॉर्डिंग हम सेफ्टी देखते हैं और दूसरा एक्सीडेंट रिलेटेड, ठीक है, एक्सीडेंट रिलेटेड सेफ्टी से रिलेटेड हम देखते हैं। मिनिमम इंजरी डिजाइन फॉर मिनिमम इंजरी ड्यूरिंग एक्सीडेंट। तो जो सेफ्टी के टर्म्स में आप जब आओगे,
सेफ्टी के टर्म में जब आओगे तो आपको ये दो तरीके पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये दो तरीका कौन कौन सा है? एक हमारा प्रिवेंटिव डिजाइन होनी चाहिए। प्रिवेंटिव डिजाइन में कौन कौन सा टॉपिक आता है, हम मैं आप भी डिस्कस कर रहा हूँ। और डिजाइन फॉर मिनिमम इंजरी ड्यूरिंग एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट हो इन दैट केस आपको ड्राइवर को या फिर आपके जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं उनको कम से कम इंजरी होना चाहिए। प्रिवेंटिव डिजाइन में कोई टर्म्स हम देखा जाए, प्रिवेंटिव डिजाइन के जो टर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंटिव डिजाइन में देखा जाए तो ड्राइवर मेन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ड्राइवर का, ठीक है। ड्राइवर का बात करें, ड्राइवर को कंफर्ट कैसे कैसे मिलेगा? ड्राइवर कंफर्ट के बारे में हम बात करें, ड्राइवर अगर सेफ रहा, ड्राइवर कंफर्ट रहा, तो अंदर पैसेंजर जो बैठे हैं वो भी कंफर्ट रहेंगे, सही है ना। तो ड्राइवर को कंफर्ट कैसे मिलेगा वो आपका प्रिवेंटिव डिजाइन में पता चलता है। सबसे पहला एक पॉइंट देखा जाए, सबसे पहला ड्राइवर कंफर्ट में विजिबिलिटी ड्राइवर की अच्छी होनी चाहिए, विजिबिलिटी सही मिलनी चाहिए। जहाँ पे जो जिस पोजीशन पे उसकी सीट हो वहाँ से विजिबिलिटी उसको एकदम सही मिलनी चाहिए कि वहाँ से वो अपनी गाड़ी का हर डायरेक्शन को देख सके, बाहर की ओर फ्रंट देख सके, रियर देख सके, रियर ग्लास से, ठीक है, साइड ग्लास से वो बैक देख सके, ये सब देख सके। तो विजिबिलिटी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के पिलर्स लगे हुए हैं साइड में या इधर तक बॉडी के पिलर्स रखे हैं, तो आप अगर सीट एडजस्ट नहीं है, पॉइंट इधर उधर है, तो बॉडी के पिलर के कारण क्या होता है, आप सही से विजिबल नहीं कर पाते हो, या तो फ्रंट में या तो बैक में। तो बॉडी पिलर के बीच से जो शीशे का जितना पार्ट होता है वहीं से आपको बस मिलता है विजिबल करने के लिए रोड वगैरह, ठीक है। तो ऐसा सीट ऐसे पॉइंट पर रहे ताकि बीच में ड्राइवर के जो पिलर्स हैं बॉडी पिलर ना आए, डायरेक्ट हमारा मिरर आए या फिर डायरेक्ट साइड आए, इससे हम देख सकें, ठीक है। अगला आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट पैनल। हाँ, इंस्ट्रूमेंट पैनल शुड बी इंस्ट्रूमेंटल पैनल इजीली रिच, ठीक है। अब जहां पे ड्राइवर बैठा है तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट पैनल जैसे कि लाइट ऑन करने का बटन या फिर जो मीटर वगैरह है, ड्राइवर उसको इजीली देख सके, ठीक है। उसको ऐसा ना हो कि भाई अगर मीटर देखना हो तो स्टेयरिंग को नीचे कर लो, खोल के स्टेयरिंग हाथ में ले लो और फिर देखो भाई अच्छा क्या डिटेल है, पेट्रोल है कि नहीं है गाड़ी की स्पीड में, ऐसा नहीं। जो भी जो पॉइंट जिस पोजीशन में फिक्स है उसी पॉइंट से उसको हर चीज़ दिखनी चाहिए, जितने मीटर्स आपकी गाड़ी में लगे हैं वो रीच पॉइंट, इजिली वो देख सके कि उसके इंस्ट्रूमेंट कैसे काम कर रहे हैं, जो मीटर वगैरह लगे हैं लाइट तक, वो लाइट के हैंडल तक पहुँच पा रहे कि नहीं पहुँच पा रहा है, ये सब पॉइंट को ध्यान देना होगा। तो इंस्ट्रूमेंट पैनल जितने हैं वहाँ पे ड्राइवर इजीली रीच हो जाए। कंट्रोल शुड बी लोकेटेड विद द इजी रीच। अब जो कंट्रोल्स हैं वहाँ तक भी अच्छे से पहुँच जाए, कंट्रोल्स वहाँ भी इजीली रीच कर, कंट्रोल्स इन द सेंस लाइट कंट्रोल, ठीक है, गियर गियर हो गया, लाइट हो गया, विंड स्क्रीन कंट्रोल, जो बैक का डिग्गी का जो ऑटोमेटिक ओपन करने वाला होता है वहां तक। तो कंट्रोलिंग जितने कंट्रोल वाले पार्ट हैं वहां तक ड्राइवर इजीली एक ही सीट पे बैठे बैठे पहुंच जाए, ठीक है। नॉइज शुड बी मिनिमम, अगला पॉइंट है, अभी गाड़ी में नॉइज बहुत कम होना चाहिए। नॉइज शुड बी मिनिमम, अभी गाड़ी का या बॉडी में इतना वाइब्रेशन नहीं कि बॉडी पूरी वाइब्रेट करती हो, ठीक है। बॉडी वाइब्रेट है तो अब ड्राइवर को क्या हो, एक दिमाग खराब होगा ड्राइवर का, दूसरा कोई आसपास वाला हॉर्न हॉर्न दे रहा है तो पता ही नहीं चलेगा उसको कि भाई हॉर्न आ रहा है कि उसकी गाड़ी वैसी आवाज कर रही है, क्लियर है। तो नॉइज शुड बी मिनिमम ऑफ बॉडीज और एनी पार्ट ऑफ द इसका। नाउ सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम तो सबसे अच्छा होना चाहिए फॉर ड्राइवर कंफर्ट के लिए। सस्पेंशन सिस्टम जितना अच्छा होगा उतने जो रोड पे इम्पैक्ट वगैरह पड़ेंगे उसके कारण ड्राइवर को उतनी कम झटके वगैरह लगेगा, ठीक है। तो सस्पेंशन इतना अच्छा होना चाहिए ताकि जो भी हमारे इम्पैक्ट हैं उसको एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये पॉइंट्स बहुत हैं हमारे प्रिवेंटिव डिजाइन में। अब हम आते हैं डिजाइन फॉर मिनिमम इंजरी, मिनिमम कम से कम इंजरी हो ड्यूरिंग एक्सीडेंट, उसके लिए हम क्या करें। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आप नोट करो कि आप जो बम्पर लगाओगे, बम्पर फ्रंट या रियर बम्पर जो लगाओगे उसकी स्टिफनेस स्टिफनेस और स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, स्टिफनेस और स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। इतनी भी अच्छी नहीं कि भाई टूटे ही ना, ठीक है, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कम से कम लोड लगने पे, क्योंकि जनरली बम्पर का यूज क्या होता है, बम्पर याद रखना, बम्पर फ्रंट के लिए या रियर के लिए, बम्पर का यूज है
एक्सीडेंट होगा तो वो टूटेगा, ठीक है। वो मेन गाड़ी का पार्ट नहीं है, वो एक्सटर्नल पार्ट हम यूज़ करें। अगर गाड़ी एक्सीडेंट होगी तो वो टूटेगा, उसके टूटने से ही आपकी पूरी गाड़ी बचती है। अगर वो नहीं टूटा तो आपकी गाड़ी कोई और पार्ट टूट जाएंगे। आप छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं, कोई बाइक खड़ी है, कोई हल्का फुल्का जो आपका पोल वगैरह है टकरा गए, तो बम्पर थोड़ा बीच से क्रैक हो गया, टूट गया, तो गाड़ी के में पूरे वाइब क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके टूटने से क्या होता है, बम्पर के मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। नहीं टूटा तो वो ट्रांसफर कर देगा, तो हो सकता है आपका विंड स्क्रीन क्रैक हो जाए, हल्का वाइब्रेशन से साइड स्क्रीन क्रैक हो जाए, ड्राइवर को नुकसान हो सकता है। तो ये बम्पर आपको इसके अकॉर्डिंग देखना होगा। फ्यूल टैंक शुड बी लोकेटेड सुटेबली टू अवॉइड रिस्क ऑफ स्पिल्ड फ्यूल, ठीक है। फ्यूल टैंक आपको सही जगह पर होना चाहिए, फ्यूल टैंक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से फ्यूल हमारा स्पिल्ड ना हो, बाहर की ओर हल्का जंप वंप हो तो बाहर की ओर आ जाए, क्योंकि अगर हल्का फुल्का भी आग वगैरह लगा तो भाई आपकी गाड़ी तो पूरी जल जाएगी, ठीक है। द इंटीरियर ऑफ कार शुड बी सुटेबली एडोकेट पैडिंग, इंटीरियर्स जो हैं सुटेबल पैडिंग होना चाहिए, पैड, ठीक, ताकि आप, क्योंकि इसलिए ये है कि गाड़ी आपकी चल रही है, आप जो खराब रोड पे चल रहे हो तो झटके लगते इधर उधर, तो आप पता चला कि इधर गाड़ी के इधर बॉडी पार्ट में टकराया तो आपका सर फट गया, तो हाथ फट गया, तो इधर कट लग गया। तो जो पैडिंग है, जो पैड हम यूज़ करते हैं अंदर, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छी थिकनेस की होनी चाहिए, ताकि थोड़े बहुत तो एक्सीडेंट से हमें बचा सके। वो पैडिंग ही काफ़ी लग्जीरियस गाड़ी में ये पैडिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितना भी ग्लास है, विंड स्क्रीन ले लीजिए आप, विंड स्क्रीन ले लीजिए, चाहे साइड स्क्रीन ले लीजिए, चाहे रियर स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है, वो प्रोटेक्टिव होना चाहिए, कोटेड होना चाहिए, प्रोटेक्टिव कोटेड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्योर ग्लास रहा, ग्लास तो वैसे प्योर ही रहता है, अगर कोई प्रोटेक्टिव लेयर ग्लास पे नहीं लगा है तो गाड़ी हल्की से ठोकी, वाइब्रेशन आया, या तो गाड़ी कहीं से ठोकी तो शीशा, जितना शीशा है टूट कर पूरा आपके फेस पे लग जाए, पूरे पार्ट्स में शीशा घुस जाए। तो भाई इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, हम शीशे पे एक प्लास्टिक की एक कोटिंग चढ़ाते हैं। तो देखना आप गाड़ी मैक्सिमम, जो गाड़ी के एक्सीडेंट वगैरह होती है, तो शीशा जब फूटता है तो चिपका रहता है एक दूसरे में, बहुत कम अमाउंट होता है जो शीशा, प्लास्टिक भी फट जाती है तो कुछ शीशा वो भी देखोगे एक एक लेयर पे चिपका रहेगा, साइड में गिरा रहेगा, क्लियर है। ऐसा नहीं कि टूट के पूरा बिखर जाए, ऐसा नहीं होता है जनरली, क्लियर है। तो टूट के उसी प्लास्टिक कोटिंग में चिपका रहता है वो, ताकि अगर वो एक्सीडेंट भी हो तो सिर्फ क्रैक्स बने, या टूटे भी तो प्लास्टिक में चिपके रहे, बहुत कम अमाउंट ऑफ शीशा बाहर निकले, क्लियर है। ये पॉइंट आपको ध्यान पे देना है।